बैजनाथ विधायक श्री मुल्कराज प्रेमी की ओर से श्री राकेश पठानिया जी को वन एवं खेल मंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे को अपनाते हुए सुदर्शना देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। दिव्यांग होने के बावजूद सुदर्शना ने अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए पाइन नीडल या चील की पत्तियों से आकर्षक राखियां सहित घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य उत्पाद बनाए हैं। राज्य स्तरीय स्टार्टअप अवार्ड सम्मानित सुदर्शना देवी इन उत्पादों के सहारे घर की आर्थिकी में भी सहयोग दे रही है। उनका दावा है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाकर अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकती है। आवश्यकता है तो सिर्फ एक फल करने की। रेत निवासी सुदर्शना देवी ने चीड़ की पत्तियों से फ्लावर पॉट, ट्रे, फ्रूट प्लेट, चपाती बॉक्स, डाइनिंग फ्रूट बास्केट सहित अन्य दर्जनों तरह के घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले प्रोडक्ट चीड़ की पत्तियों से बनाए हैं। मेरा नाम सुदर्शना कुमारी है। मैं पाइन नीडल पे 2007 से काम कर रही हूँ और मैंने सबसे पहले जो शुरू किया था इस काम को तो एक छोटी सी बास्केट से शुरू किया था। उसके बाद मेरे दिमाग में नए नए आइडिया आने शुरू हुए। चपाती बॉक्स हो गया, पेन स्टैंड हो गया, टी कोस्टर सेट हो गया, ट्रे हो गई। उसके बाद नए नए आइडिया आए और जो जो प्रोडक्ट मेरे दिमाग में आता गया मैं वैसे वैसे वो प्रोडक्ट तैयार करती गई। तो 2007 से लेके 2017 तक तो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, लेकिन 2018 में मेरे को स्टार्टअप इंडिया, जो एक स्टार्टअप हिमाचल की तरफ से मेरे को IIT मंडी में हीरो ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला 1,00,000 रुपये। उसके बाद मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की नज़र में भी आया और गवर्नमेंट इसके ऊपर मेरे को ज़्यादा वो सहयोग देने भी लगी मेरे साथ। और इस प्रोडक्ट में मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि इस प्रोडक्ट को बरसात के दिनों में फंगस आ जाती थी। तो मेरे को जब स्टेट अवार्ड मिला तो उसमें उन्होंने मेरे से पूछा था कि इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको बताया था कि इसमें फंगस की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को CSIR पालमपुर में 1 साल की इंक्यूबेशन के लिए भेजा हुआ है। तो वहाँ पे मेरी CSIR पालमपुर में इंक्यूबेशन चल रही है। तो अभी 9 महीने हो गए हैं, अभी 3 महीने और बचे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से वो अभी चल रहा है वो प्रोग्राम सारा मेरा। उसके बाद इस बार जो मोदी जी का आह्वान था कि वोकल फॉर लोकल, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इसका क्या करूं। तो मेरे दिमाग में आया कि राखियां बनाऊं मैं, अगर बन जाएंगी तो मैंने प्रयास किया तो इसकी राखी अच्छी बन गई और सुंदर लगी मेरे को। तो इसमें राखियां बनाने में मैंने पाइन नीडल का यूज़ किया, धागे का यूज़ किया और थोड़े थोड़े मोतियों का भी यूज़ किया, क्योंकि अभी इस बार मेरे पास टाइम कम था तो मैंने थोड़ा मोतियों का यूज़ किया। अगली बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़े अलग अलग प्रकार के थोड़े और आइडिया देखूँगी तो अलग तरीके से बनाऊँगी मैं इसको। अभी ये बिक रही हैं सर, ये 20 से 25 रुपये में बिक रही हैं राखियाँ। तो मेरे को कुछ आउट ऑफ स्टेट से भी मेरे को ऑर्डर आए थे, वो मैंने भेजे हैं। और लोकल भी लोग जैसे जिस हिम पाइन और फेसबुक पे हिम पाइन करके मेरा एक पेज है, तो वहाँ पे मैंने ये फ़ोटो डाले थे। इंस्टाग्राम पे भी मैंने हिम पाइन करके ये फ़ोटो डाले थे, तो वहाँ से लोग पसंद करके कुछ लोग लोकल लोग भी खरीद रहे हैं मेरे से और बाहर से भी मेरे को ऑर्डर आए हैं। तो मैंने भी भेजे हैं ऑर्डर पे। तो सर मैंने 150-160 के करीब राखी भेज दी है बाहर ऑर्डर पे ना। और लोकल तो सर 10-20 रोज घर से ले जा रहे हैं लोग। सर सरकार की सहायता तो ये मिली जब प्रोडक्ट उन्होंने पहली बार देखा था तो DRDA ब्लॉक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, वहाँ से उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए थे। तो मैंने हिमाचल में 5-6 हज़ार लेडीज़ को ट्रेंड किया है, तो वो लेडीज़ भी काम कर रही हैं। और बाकी मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से ही सहायता मिली है कि जो इंक्यूबेशन के लिए मेरे को इसके, क्योंकि इसमें वो नेचुरल डाई के साथ अगर ये मेरा प्रोडक्ट बिकेगा तो इसकी ज़्यादा वो सेल भी होगी और ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है तो इसमें कोई प्रॉब्लम बड़ी फिर बात भी नहीं रहेगी। सरकार से मेरी ये मांग है सर कि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो वो अच्छे से हो जाए तो जो लेडीज़ मेरे साथ जुड़ी हैं उनको भी फायदा होगा और मेरा प्रोडक्ट भी ये ज़्यादा बिकेगा और सबकी जो इनकम वो बढ़ेगी और वो सब लेडीज़ आत्मनिर्भर बनेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।